क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड। यहाँ पे आपको बिफोर सम में क्या था, फर्स्ट सम में आपको सम था, फाइंड द सम, उसको सम करना था। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन है माइनस माइनस माइनस, तो आपको माइनस करना है। तो लेट्स कर द फर्स्ट पार्ट। सम है 7/24 माइनस 17/36। आप इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 24 और 13 का। तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज, अब आपने एलसीएम निकाला, 2 से 2 1 2 2 2 4, देन 2 1 2 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, देन आपका 9 वैसा का वैसे आ जाएगा, देन 3 से 3 1 3 3 3 9, देन 3 1 3। अब कैल्सियम क्या निकलेगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 का 3 में 9, 3 3 9, 9 का फिर 2 में करेंगे इस वाले में, 9 2 18, यहाँ तक आ गया, 18 2 36 एंड 36 2 6 12, 1 2 3 6 72। कितना है आपका एलसीएम, 72, आपने 72 लिखा। अब आपने लिखा 7/24 माइनस 17/36, एलसीएम आया आपका 72। अब आप क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है उसमें डिवाइड करते हैं, तो 36 का आपने 72 में डिवाइड किया, तो 36 2 72 ये आया। अब जो आंसर आया आपका 2 का, उसमें आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 34, आपका 34 यहाँ आया। ऐसे 24 का आप 72 से, 24 3 72 एंड 7 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 7 3 21, आपका ये आया। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब उसके बाद आपने 34 प्लस का ये है 21, माइनस का 34 है, तो 34 में से 21 माइनस किए, तो 4 में से 1 गया आपका 3, और 3 में से 2 गया आपका 1। ठीक है, 3 1 4 2 1 3, आपका आया 13/72। अब आपका साइन देखिए, प्लस है माइनस है, माइनस हो गया, बड़ा बिगर नंबर कौन सा है, 34, और साइन का क्या है, निगेटिव की जैसे ये माइनस का साइन है, तो आपका जो आंसर है वो कैसा होगा, -13/72। नाउ थर्ड पार्ट, 6/13। अब ब्रैकेट के बाहर आपका ये जो माइनस है, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है तो अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो आप क्या लिखेंगे, -6/13, तो ये माइनस है तो ये प्लस के हो जाएंगे, +7/15। अब ये देखिए, यहाँ पे 13 और 15 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 13 एंड 15 इज, इनका एलसीएम निकालेंगे 13 का और 15 का, तो किससे निकलेगा, 13 तो किसी से जाएगा नहीं, ये आपका प्राइम नंबर है, 15 जाएगा कंपोजिट है, तो 3 5 15, 13 देन 5 1 5 एंड 13, तो वही आएगा आपका 3 5 15 मल्टीप्लाई 13, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक प्राइम नंबर है और एक आपका कंपोजिट नंबर है, तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसका एलसीएम आपको शो करना है, शो कर सकते हैं। देन आप 3 5 15, 1 3 1 3 एंड 4 5 एंड 1, 5 5 4 9 195, एलसीएम कितना आया आपका 195। ठीक है, अब आप -6/13 +7/15, आपका एलसीएम आया 195। अब 195 में आप 15 से पहले जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो नंबर है उनसे डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है ऊपर उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 15 का आपने डिवाइड किया 195 में, तो 15 1 15, 4 बचा, 15 3 45, तो आपका कितना आया, यहाँ पे आपका आया 13 आया। अब 13 से आपने मल्टीप्लाई किया 91, आपका कितना है 90। ऐसे सेम आपने इसके संग प्रोसेस की, 13 का आपने डिवाइड किया 13 1 95, 13 1 13 6 5, 13 5 65। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई इससे किया, 15 6 90, तो आपका कितना है 90, और ये माइनस किया, ये पॉजिटिव थे तो 91, ये नेगेटिव थे माइनस, तो माइनस आया। जब आप माइनस करेंगे इनका तो आपका कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है,
आपका वन आया 91 में से 90 गए तो वन आया 1/95। अब साइन काय का आएगा, प्लस ये माइनस के हैं और ये काय के आपके प्लस के हैं, तो बिगर नंबर ये है, तो आपका आंसर ये 1/90। नाउ फिफ्थ पार्ट, ये देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, 9 2 18, इसमें भी आप इसको चेंज करेंगे, पहले 9 2 18 एंड 1 19, तो पहले आप सम लिखिए 1/9 - 6, तो 9 2 18 - 19/9, 9 2 18 और 1 19, 19/9 और 6, अब 16 जो कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, देन एलसीएम लिया 9 और 1 का तो 9 ही आया, ठीक है, अब 9 और 1 का तो 9 ही आएगा, एलसीएम लेंगे, अब 1 का अगर 9 में आप डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, 1 डिवाइड बाय 9 तो क्या आएगा, 9 1 9 जो 9, 9 ही आया, 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 9 का डिवाइड किया, 9 1 जो 9, 1 आया, मल्टीप्लाई किया 90, अभी आपके दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है 9, आप ऐड करेंगे 19 - 54, 9 10 11 12 13, आपकी कितने आ गए 13, 1 ऊपर 5 6 7 73, तो आपका कितना आया -73/9, ये आपका आंसर है कौन से फिफ्थ पार्ट का। इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना था कि जो ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, अगर हमारा प्लस का होता तो अंदर के साइन आपके चेंज नहीं होते, पर ये आपका ब्रैकेट है माइनस का है, तो जब आपने ओपन किया ब्रैकेट तो जो ये -7/15 थे वो किसके हो गए, आपके प्लस के हो गए, तो आपने एलसीएम लेना है आपको, क्योंकि बेस का आपको या तो ये है आपका यहाँ पे एलसीएम लेके बेस में आपको एक सा करना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे प्राइम नंबर होते हैं तो आप सीधे मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, और अगर कंपोजिट नंबर होते हैं तो आपको पूरा एलसीएम आपको शो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड, रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू सॉल्व इन होमवर्क।